कहीं भी आप जाके कह दीजिए चौकीदार चौकीदार चौकीदार। तो ये कहां से बात चली, ये कैसे चल गई बात, चार साल में अच्छे दिन आएंगे से चौकीदार चोर है कैसे हुआ? चौकीदार को गाली देने की कंपटीशन चल रही है। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मैं देश का चौकीदार बनना चाहता हूं। और आज देश के दिल में, राजस्थान की जनता के दिल में एक नई आवाज उठ रही है। गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। अब है ना, मैं क्यों डरूं? अरे 125 करोड़ देश के आशीर्वाद जिसके परसर पे होता है वो कभी डरता नहीं है। और चौकीदार कभी यूं देखे, कभी इधर देखे, कभी उधर देखे, कभी यहां देखे, आंख में आंख नहीं मिला पाया चौकीदार। आपने मुझे काम दिया है चौकीदार का, चौकीदार का काम दिया है। अब मैं चौकीदारी कर रहा हूं तो कुछ लोग परेशान हैं, उनको तकलीफ हो रही है, उनको लग रहा है ऐसा कैसा चौकीदार आ गया, चोरों के सरदारों पर ही पहले वार कर रहा है। चौकस चौकीदार चौकन्नी सरकार बेईमान और बिचौलियों में बच गया है हाहाकार, और इसीलिए आज पूरा देश कह रहा है कि गर्व से कहो हम हैं चौकीदार। अब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप और खास तौर से राहुल गांधी जी खुद अपने ही जाल में और अपनी ही चतुराई के चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं। पहले तो भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती रही कि भाई रफेल मुद्दा नहीं है, चौकीदार चोर है, ये नारा चल ही नहीं रहा। अगर नहीं चल रहा और ये अगर मुद्दा नहीं है तो आपका अपना नारा भी क्यों इसी पर आधारित है? यहीं से समझ में आ जाता है कि भाजपा कितनी घबराई हुई है। और मैं ये उम्मीद करता हूं जो टोपी उन्होंने बांटी थी, मैं भी चौकीदार वाली, उम्मीद करता हूं मोदी जी ने वो विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को भी भेजी होगी। यह तो गौरव की बात है, इस देश को अगर भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का संकल्प मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है तो इस देश को प्रधानमंत्री के रूप में भी चौकीदार मिल गया है। और करोड़ों करोड़ों की संख्या में कुछ दिन के अंदर आप देखेंगे कि इस देश के अंदर चौकीदार बनकर के इस देश को ईमानदारी के पथ पर चल करके दुनिया के सबसे उन्नत राष्ट्र के रूप में खड़ा करेंगे। भ्रष्टाचार हो, मेक इन इंडिया का मट्टी पलीत हो, राष्ट्र की खजाने की राशि एक उद्योगपति के हाथ में चला जाए, रक्षा मंत्रालय के पूरे सिस्टम पर कंट्रोल किया जाए, इन सभी प्रश्नों का कोई जवाब नहीं। और उल्टा कहते हैं कि कहना चाहिए कि सब लोग चौकीदार हैं। ऐसे चौकीदार होंगे तो देश और घर की रक्षा कहां से होगी? बाढ़ आई है, लोग अपने से आ रहे हैं, अपना सोशल मीडिया पे फोटो डाल रहे हैं। हमने भी यहां पे जैसे ही कहा कि मैं भारत की खुशियों का पहरेदार हूं, हाँ हाँ मैं भी, तो लोग कहे चौकीदार हूँ। तो मैंने अपना ट्विटर हैंडल भी बदल लिया है, अब मैं चौकीदार मनोज तिवारी हूं, नरेंद्र मोदी के साथ देश की चौकीदारी करूंगा और किसी चोर को चोरी करने की जगह नहीं दूंगा। अगर बीजेपी के चौकीदार या देश के प्रधानमंत्री जो अपने आप को चौकीदार कहते हैं, ये सच में चौकीदार अगर होते तो आज किसानों को अपने खेतों की चौकीदारी नहीं करनी पड़ती। और चौकीदार अगर थे तो देश का पैसा लूट कर ले जाने वाले देश के जो चोर हैं, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, या आखिर कैसे भाग गए? तो हमारे समाज में चोर को चोरी करने देने का मौका देना और उसको भगाने वाले चौकीदार के साथ लोग कैसा व्यवहार करते हैं, ये बीजेपी के लोगों को समझना चाहिए।